गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम उठ चुके हैं और अभी बजे हैं सुबह के 4:30। तो अभी 4:30 बजे हम उठ चुके हैं क्योंकि हमें आज जाना है मुजफ्फरनगर, क्योंकि आज छोटी होली है। वेलकम टू माई न्यू वीडियो। और आज जा रहे हैं गांव में दिए जलाने, होली का दिन है। तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठे थे, बच्चों को 4:30 बजे जगाया गया था और हम सारे रेडी हो चुके हैं। सब पहले गांव में जाएंगे, गांव में मिलते हैं, वहां पे दिए जलाने, फिर जाना है घर। और घर पे हम आज अकेले ही दिखाई देंगे क्योंकि मम्मी पापा जी घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं पुणे घूमने के लिए। तो चलो मेरे साथ आगे तक वीडियो में बने रहिए। आज का आपको नई नई जगह, मतलब गांव की नई जगह, वहां पे बच्चे क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। अब तो बच्चे हमारे साथ में तो कुछ अलग ही वीडियो बना करेंगी क्योंकि बच्चों के साथ तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल की मस्तियां होती हैं। चलो ठीक है, आगे मिलते हैं वीडियो में। अभी हाथ जोड़ ले बेटा, ठीक है, हाथ जोड़ो बाबू। Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, read. Karna hi to hai yo. मीठी गन्ना है वो, इन सब चीजों को गन्ना नहीं तोड़ते। नहीं बेटा तोड़ो मत कुछ भी, ये रह गया होगा देख, बीच बीच में बहुत सारे उग नहीं रहे, ये देख ये उग रहे वो उग रहे। देवताओं पे दिए जलाने के बाद हम आते हैं मंदिर, और ये मंदिर है कांटे वाले बाबा के नाम से। तो यहाँ पर दिए जलाते हैं, यहाँ पे सारे भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। मेठी लवी कहाँ है? लवी सारी जगह दिए जलाने के बाद अब हम पहुंच गए हैं घर। बच्चे नहीं, ये तो वैसे भी नहीं पीने का, मीठी को चाहिए, मीठी चाहिए दूध। जा चाची के पास, सुन जा दही लेना क्या बेटा? दही लोगे? अब तो बारिश हो गई, बारिश ना दही ना क्या लेगा? कुछ भी दही लेगा, कितनी लेगा? हाँ जी एक एक चम्मच। इतनी सी या इतनी सारी बता? एक टन इतनी सारी ठीक है, इतनी सारी ले लिए। और क्या लेगा दही के साथ? पराठा? बच्चे दही ना पीते और कुछ है नहीं? बच्चे दही ना पीते। अच्छा और कुछ नहीं, पराठा? बच्चे दही नहीं पीते? दही तो बहुत खाते हैं बच्चे, देख लवी भाई खाएगा अब दही, सब बच्चे खाएंगे। लवी भाई भी लेगा दही, लेगा लवी इसके साथ पराठे के साथ दही? हाँ। देख बोल दिया लवी ने, हाँ खाते खाते हैं। बहुत शैतान है, बहुत शैतान।
अरे नाश्ता कर ले भाई। कैसे उथल पुथल से हो रहे हैं आप, तो थकान सी मान गए। देखो इसे, इसने तो मेरी वजह से बेचारे ने चोट लगवा ली। अरे तो जब नहीं खाया था अभी से भुक्का रखेगी। अपने और अब कोई चला ले भाई फोन को, तो ऐसा लग रहा गांव से चल दिए हैं, थोड़ी दूर आ गए हैं और बच्चों की हालत लवी पस्त मीठी पस्त और पस्त तो हमारे पार्टनर भी तो मस्त है। अच्छा मस्त, ठीक मस्ती। मैंने क्या अभी घर जाना है, घर जाकर काम में जुटना है, शाम तक देखते हैं हालत क्या होनी है। घर में 4-5 दिन से घर बंद पड़ा है तो थोड़ी साफ सफाई का है, देखते हैं वहाँ लगना है अभी तो जाकर। और यहाँ पे अभी गन्ने के जूस पीने की तैयारी में बैठे हैं हम चारों, काफ़ी गर्मी लग रही है तो मौसम एकदम से चेंज हो गया, धूप गई ऐसी है, 2 मिनट बादल का दो फिर आ जाएगी। अभी यहाँ हमारा गन्ने का जूस बन रहा है और हमने भैया को बोला है कि इसमें नींबू और पुदीना ज़्यादा डाल देना। मीठी बड़े ध्यान से देख रही है, लवी का मन नहीं उसका, जबरदस्ती गन्ने का रस पीना है। बहुत अच्छा होता है भाई, लवी गन्ने का जूस बेस्ट होता है। अच्छा चल ठीक है लवी, गन्ने का रस तो पीना है, वो तो मैंडेटरी है। अब ये बताओ आपको पीना क्या था? क्या चाहिए था? अच्छा चल क्या चाहिए था बता, बता दे। चल कोई बात नहीं, मैं सुन रही ना तेरी बात। तभी तो नहीं दिलवाए चिप्स, अनहेल्दी चीज ही चाहिए ना, गन्ने का रस बहुत अच्छा होता है। जब इसके टीचर को पता चलेगा ना तो इसके लिए क्लैपिंग करेगी और कि आज गन्ने का जूस पीना, गन्ने का जूस पी सही में मतलब ही मैं एनर्जी आ जाएगी ऐसे। और मीठी उधर पीछे बैठी है उसके मुंह में पानी आ रहा, वो तो निगाह ही नहीं हटा रही मशीन पे से। मेठी कहाँ गया मेरा बेटा? मुझे लगा कभी पहला रखा हो कुछ उसमें मिला दे, यही करे सब। अच्छा ताजा हो तो बस ताजे की बात है। और ये छन गया भाई, भगोना भर के बनाया है। कौन से साइज वाला होगा ग्लास भी तो दो इस पे ही की है क्या ग्लास की साइज? प्लास्टिक वाली है, डिस्पोजल बिल्कुल सही है। आज अब तो पहुंच गए घर, अब क्या बनाया है? बेटे जब से मैं आई हूँ तब से मैं एक साथ काम में लगी पड़ी हूँ, घर की साफ सफाई की, मैंने अकेली किसी ने मेरी हेल्प की। मैं तो पूरे घर की साफ सफाई की, उसके बाद अब खाना वाना बना रही हूँ, खाना भी ऑलमोस्ट डन हो चुका। हम पहुँचे थे 3:15 के आसपास और फिर उसके बाद साफ सफाई की, मुझे काफ़ी टाइम लग गया और बस अभी फटाफट से खाना बनाया है। हलवा रेडी, सब्जी दिखाओ मीठी, सब्जी रेडी, हलवा रेडी, आटा रेडी। सब्जी तो देखने से ही मुँह में पानी आ गया ना। और ये है हलवा, टेस्टी सूजी वाला। इस सब्जी को तो असली में देख के ऐसा लग रहा है कि खा लूँ अभी, खा लूँ अभी, खा लूँ। तो अभी हम मैं आपको होली का सामान दिखाने वाली हूँ जो डैडी ने हमें दिलाया है। और ये है हमारी वाटर वेपन और ये है लवी की, लवी की बैंटन वाली है, मेरी बारबी वाली है। ये 2 ईयर्स से हम वहाँ नहीं गए थे दिल्ली, तो ये जब से ऐसी हैं तो हमने सोचा हम इनको वाटर वेपन बना देते हैं। फर्स्ट साइज में इस वाली में मैंने डाला है
कलर्स, जो होली कलर्स होते हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। और सेकंड वाले में मैंने डाला है बैलून्स 2 पैकेट्स, और थर्ड में है पिचकारी एंड स्प्रे गन। और लवि ने भी थोड़ा ऐसा ही बनाया। मैंने पहले आगे वही कलर्स बैलून पर यहाँ ये लगा रखा है, यहाँ यहाँ दूसरे। और अब रात का टाइम हो गया है, होली का दहन स्टार्ट हो गया है 9:30 से। हेलो तो भाई बच्चों, कभी ले लें और मैंने होली का दहन देखा ऊपर छत से ही, मैंने मीठी ने और साइड में भाभी और उनकी बेटी, हम ऊपर से ही देख रहे थे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आती हूँ।